नमस्कार दोस्तों, जयगो मिरर्स में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता जयगो मिरर्स के लिए इस समय भूटान गेट के आगे जयगो से आप सभी के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को बताया था, आप सभी के समक्ष मैं उजागर करने जा रहा हूं, जयगो मिरर्स टीम उजागर करने जा रही है कि किस तरह से इंडिया भूटान बॉर्डर पर तस्करी होता है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से इंडिया भूटान बॉर्डर पर स्मगलिंग किया जाता है उसका आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करेंगे, कुछ एविडेंस हम लोग साझा करेंगे और कुछ तथ्य आप सभी के समक्ष रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे स्मगलिंग चलता है, तस्करी चलता है। देखने में ये आया कि इस लॉकडाउन के समय में, जिस समय दोनों ही देशों में लॉकडाउन था और किसी तरह के मूवमेंट नहीं हुआ करता था, रात के समय में कर्फ्यू हुआ करता था, उस समय भूटान की गाड़ियों को किस तरह से भूटान के बॉर्डर पार करके भारत के जयगांव में लाया जाता था, इसका दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। इस लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए, भूटान में लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए, भारत में लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए, नाइट कर्फ्यू को उल्लंघन करते हुए, दोनों ही देशों का एक इंडिया भूटान जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसका भी उल्लंघन करते हुए, रात के अंधकार में, मध्य रात्रि में भूटान के कुछ ऑफिसर्स, जी हाँ कुछ ऑफिसर्स इस तरह से इलीगल कार्य करते थे और गाड़ियों को भूटान से लेकर आते थे, जिसमें पूरे गाड़ी में शराब भरा हुआ किया करता था। इसका दृश्य आप सभी का हम साझा करना चाहेंगे जयगो मिरर्स के माध्यम से, किस तरह से एक उच्च अधिकारी, भूटान के एक उच्च अधिकारी अपने गाड़ी में अपने औधा, अपने रैंक, अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए मध्य रात्रि में गाड़ी लेकर भारत में जयगांव में वो आया करते थे और उनको इस सिलसिला में उनको रंगे हाथों भी पकड़ा गया। और दोस्तों यहीं तक नहीं, ये जो गाड़ियाँ जो भूटान के बड़े अधिकारी लेके आते थे, शराब भर के लेके आते थे, आपको बता दें ये आपको पता होगा कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है, फिर भी इस तरह से मध्य रात्रि में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए शराब तस्करी करके लाया जाता था बड़े अधिकारी द्वारा भूटान के। और साथ में इतना ही नहीं, इन्हीं अधिकारियों के सहयोग से भूटान नंबर गाड़ियों में भर भर के यहाँ से सिगरेट, बीड़ी, खैनी और तमाम तंबाकू पदार्थ लेके जाया करता था। आपको हम लोग इसका भी विजुअल साझा करेंगे कि किस तरह से भूटान गाड़ियों को प्रयोग करके भारत भूटान सीमा पे जयगांव से फुलचिलिंग तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू पदार्थ भूटान में तस्करी किया जाता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भूटान के कई अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये जांच का विषय है और हम आशा करते हैं कि भूटान प्रशासन इस विषय में जांच करेगी और जो इसके साथ लिप्त अधिकारी है उस पर उचित कार्रवाई करेगी। हालांकि भारत में भी इसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हो सकते हैं, उसका भी पर्दाफाश हम लोग जल्द करेंगे। फूदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताजा स्वाद, सभी प्रकार के सीटीसी चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें murasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.foodarsh.com।